सोलन में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसे सोलन में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरों की घटनाएं सामने आने के बाद भी पुलिस चोरी की वारदातें को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सोलन शहर के बीचों बीच हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोर दिन दिहाड़े करीब 8 लाख रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। मकान मालिक जब शाम घर पहुंचे तो उन्हें घर का सारा सामान बिखरा मिला। देखने पर पता चला कि करीब 8 लाख रुपए के गहने सहित घर का कीमती सामान गायब है। बहरहाल मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए पीड़ित व्यक्ति भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जब वो अपने कामकाज से शाम को घर लौटे तो उन्हें उनके घर के दरवाजे खुले मिले। उन्होंने कहा कि घर से करीब 8 लाख रुपए की सोने की वस्तुएं गायब हैं। उन्होंने कहा कि चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने आर्टिफिशियल वस्तुओं को घर में ही छोड़ दिया और केवल सोने के गहने ही चुरा कर ले गए। उन्होंने आशंका जताई कि चोर ने चोरी करने से पहले घर की रेकी की होगी, तभी उसने इतनी सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया। मैंने पाया कि मेरा दरवाजा खुला है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसका बोल्ट जो है किसी ने उखाड़ दिया है। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरी काफ़ी चीज़ें इधर उधर गिरी हुई हैं, तो ऐसा लगने लगा कि किसी ने सर्च किया हुआ है यहाँ पर। तो मैंने फिर आगे और ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि मेरी कुछ अलमीराज को कुछ लोगों ने खोल कर उसमें से कुछ चीज़ें ले गए हैं। तो जो चीज़ें वो ले गए हैं वो ज़्यादातर गोल्ड की ही चीज़ें थी। बाकी उनको इतना एक्सपर्टीज़ था कि वो आर्टिफिशियल चीज़ों को उन्होंने वैसे ही रहने दिया और वो गोल्ड की सारी चीज़ें ले गए। लगभग 10 लाख के करीब का सामान वो हमारे घर से कल चोरी करके ले गए। इस मामले में जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चोरी की शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस स्टेशन सोलन में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 में हाउस ब्रेक हुआ है। इस पे SHO अपनी टीम के साथ मौके पे गए थे तो ये पाया गया कि मिस्टर डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता हैं जो नॉन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं। इनके घर में पिछले कल दिन के समय जब घर में कोई मौजूद नहीं था तो उसमें किसी ने हाउस ब्रेक किया और इनकी लगभग 8 लाख की गोल्ड ज्वेलरी जो है वो चुरा के ले गए हैं। इस पे पुलिस ने 457-380 IPC के तहत केस दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। निश्चित तौर पर सोलन में चोरी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चोरों के हौसलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोर दिन दिहाड़े रिहायशी इलाके से चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बात साफ है कि अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल सोलन।